गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास की 1.5 एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इस अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने नंबर तो रिप्रेजेंट करे होंगे नंबर लाइन पे, कभी अंडर रूट वाला नहीं करा होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 9.3 दे रखा है, तो पहले 9.3 की लाइन हम खींचेंगे ए से बी तक। ए से बी तक कितनी खींचनी है, 9.3, जो भी अंडर रूट में दे रखा अंदर वो कितनी 9.3 हमने ए से बी खींचनी है। उसके बाद इसको नेम दे देंगे ए बी। उसके बाद बी से सी हमने 1 सेंटीमीटर और खींचनी है, ठीक है, स्केल की हेल्प से, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नेम दे देंगे सी। सी आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं अपने कन्वीनियंट से, वेरिएबल कोई भी नेम दे सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्या नेम देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ए सी लाइन है पूरी, ए सी लाइन पूरी है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, हम कॉम्पस लेंगे। कॉम्पस कैसे लेंगे, हम यहाँ पर कॉम्पस रखेंगे सी पे और कॉम्पस को स्ट्रेस करेंगे मोर देन हाफ, मोर देन हाफ है, ठीक है। मोर देन हाफ करने के बाद मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो एक आर ऊपर जाएगा, एक आर नीचे लगेगा। फिर आप कॉम्पस की साइड चेंज करेंगे ऐसे करके, ठीक है, इधर रखेंगे कॉम्पस, एक आर ऊपर, एक आर्क हमारा कहाँ जाएगा, नीचे ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। आर्क लगाने के बाद स्केल से आप क्या करोगे, इन दोनों आर्क को मीट करोगे, क्रॉस करोगे, सेंटर से निकलनी चाहिए लाइन, ठीक है, क्रॉस कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटर आएगा इसको हम क्या ओ नेम दे देंगे। ओ नेम देने के बाद हम यहाँ पर कॉम्पस फिर रखेंगे और कॉम्पस अपने एडजस्ट करेंगे ए पे, ठीक है। ए पे एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक सेमी सर्कल आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, जो पॉइंट बी है यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, जो कि सेमी सर्कल से कहीं जाके मिलेगी, उस पॉइंट को हमने नेम देना है डी। इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप बचता है, पॉइंट बी पे हम कॉम्पस रखेंगे और हम एडजस्ट करेंगे इसको नीचे, जैसे कि जहाँ पर हमने डी नेम दे रखा है वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद वहाँ से हमने डॉट 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 लाइन यहाँ पर तक खींच देनी है। अगर लाइन एक्सटेंड नहीं करी तो आप स्केल से एक्सटेंड कर लेना, इसको नीचे खींच देंगे। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारा क्या है, अंडर रूट 9.3 हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है तरीका, इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3.5 है रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।